अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारना आसान था, लेकिन उसके शरीर से छुटकारा पाना नहीं। यह हैरान करने वाला इकबालिया बयान है आफताब पूनावाला का, उसी आफताब पूनावाला का जिसने अपने लिव इन पार्टनर को 35 टुकड़ों में काटकर जंगल में ठिकाने लगा दिया। आफताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि लाश से छुटकारा पाने के लिए इंटरनेट के अलावा टीवी शो डेक्स्टर ने भी उसकी काफी मदद की। पूनावाला ने बताया कि उसने सबसे पहले 300 लीटर का रेफ्रिजरेटर खरीदा। कुछ साल पहले उसने शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी, ऐसे में उसने मीट क्लीवर का इस्तेमाल किया और शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि वो उनसे दिन ब दिन छुटकारा पा सके। आफताब ने पुलिस के सामने ये स्वीकारा कि ये घिनौना काम आसान नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि बदबू से बचने के लिए वो शराब पीता था, मुंह पर कपड़ा बांधता था या मास्क पहनता था। हालांकि कभी कभी वो इस बात से डरता भी था कि उसने ये क्या किया और निराशा में रोता भी था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से उसने ये सब कुछ जारी रखा। आफताब ने बताया कि शव के 35 टुकड़े करने के बाद उसने उन्हें फ्रिज में रखा और बदबू से बचने के लिए उसने इत्र व अगरबत्ती का इस्तेमाल किया। इसके बाद अगले 16 दिनों तक उसने बॉडी के टुकड़ों को जंगल में फेंका। हर रात 2 बजे वो फ्रिज से शरीर के एक या दो अंग निकालता था, उन्हें एक बैग में भरता था और हर रोज नए इलाके में जाकर फेंक देता था। अक्सर वो शरीर के अंगों को फेंकने से पहले छोटे छोटे टुकड़े कर देता था ताकि कूड़ा बीनने वालों को किसी तरह का शक न हो। इतना ही नहीं, वो लाश के टुकड़े अलग जगह फेंकता था और उसकी पॉलिथीन अलग जगह पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।